एक बात बता, दुनिया की सारी परेशानियां तुम्हारे सर पर आ गिरी है क्या? नहीं तो? तो ऐसा चेहरा क्यों बनाया? पर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बार बार इंडिया आता है ना, उसे भी मैंने इतनी टेंशन में कभी नहीं देखा। क्या मामी, तुम भी? नारियल के पैसे निकाल। क्या? नारियल के पैसे निकाल? मैंने सोचा था तू एक बार भी मुस्कुराएगी ना तो गणेश को नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है मामी, नारियल के पैसे उधार रहे। ओके? ठीक है, बही खाते में लिख कर आती हूँ। मामी तुम भी? सास बहुत झगड़ा करती है। नहीं तो? मैंने भी क्या सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब हमेशा ना ही होता है। तो मामी अब क्या सुनना चाहती है? कुछ नहीं, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी सास भी उसे बहुत सताती थी, मगर क्या मजाल है उफ भी कहे तो। लेकिन अन्याय सहने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार होता है। कि मैंने बापू कहते हैं राष्ट्रपिता। जानती हूँ राज बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि यह कहने का अधिकार मुझे है या नहीं, फिर भी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम और प्रीति, तुम दोनों मेरे अपने हो। मामा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे बर्ताव से, मेरी बातों से आपको कभी भी ऐसा लगा है कि मैं आपको गैर मानता हूँ? अरे नहीं बेटा, लेकिन ये तुम्हारे अपने घर का मामला है, इसलिए थोड़ी सी तो हिचकिचाहट। ये कहकर आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे लगता है कि मामी जी भी मुझे अपना नहीं मानते। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, गुस्से में उसने कभी कुछ कह दिया होगा बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम लोगों से प्यार नहीं करते। तुम्हारी माँ से असावरी को टेंशन सिर्फ इसलिए है कि वो प्रीति को दुखी नहीं देखना चाहती, क्योंकि प्रीति को उसने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी माँ भी प्रीति को अपनी बेटी की तरह ही चाहती है, और वैसे भी हमारे घर में रिवाज है कि बहू को बेटी की तरह ही रखा जाता है। फिर तुम्हारे घर में इतना टेंशन क्यों है? हमारे बीच कोई टेंशन नहीं मामा जी। अरे मैं तुम्हारे और प्रीति के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे माँ और प्रीति के बीच की बात कर रहा हूँ। राज बेटा, मेरी प्रीति भोली भाली सीधी साधी लड़की है, अगर उससे कुछ गलती हो गई हो या गलती हो रही हो तो समनन जी से कहो कि उसे प्यार से समझा दे। आप क्या कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें भी दूसरों के इमोशंस की और फीलिंग्स की बहुत परवाह है, इसलिए हमारे घर में सास बहू के बीच में कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस अब मेरी सारी चिंताएं दूर हैं। मामी एक औरत के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है ना? नहीं तो वो तो अपनी अपनी सोच है। अरे जिनके बच्चे नहीं होते उनकी जिंदगी का एकदम खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी सास तो इसको बहुत अहम बात मानती है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। मैं पूछ रही हूँ क्या कहा उसने? मामी उन्होंने कहा कि मैं अधूरी हूँ, माँ बनकर दिखाऊं तो जानू, कुछ ऐसा ही। बेशर्म औरत है, जाकर गला दबा दो उसका। ऐसा कैसा कह सकती है वो? किसने हक दिया उसे जो मुंह में आए बके? एक तो मेरी बेटी की जान देने की कोशिश की, जान बच गई तो इस तरह से सता रही है? नहीं मामी, उन्होंने मेरी जान देने की कोशिश नहीं की। क्यों झूठ बोल रही है? क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों उसके गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही है तू? क्यों डरती है उससे? नहीं मामी, मैं उनसे डरती नहीं हूं। वो एक माँ है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है,
और जिसका बेटा भी उसे बहुत प्यार करता है, और मैं उस बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, और उस बेटे की खातिर, राज की खातिर उनकी 100 गुना माफ़ है, 100 गुना माफ़ है। सॉरी मोना, तेरी किताब। कहाँ है मोना? चली गई मोना हमें छोड़कर। ऐसा क्यों किया उसने? क्या वो हमसे रूठ गई थी? कल तक तो वो यहीं पे थी हमारी आंखों के सामने, कितनी खुश थी वो, कह रही थी मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इस तरह अपने घर चली जाएगी, कभी ना वापस आने के लिए। सलोनी, सलोनी, तू तो उसे पहले से जानती थी ना, तब से जब से वो इस हॉस्टल में आई थी। फिर बोल ना क्या हुआ था, बोल ना क्या हुआ था, बोल ना सलोनी, मुझे कुछ भी नहीं पता, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। शायद वो हम सबसे नाराज थी, इसीलिए किसी को बिना बताए, बिना खबर के हम सबको छोड़ के चले। किशोर, मेरे कुछ पेपर्स यहाँ पड़े थे, तुमने देखे? क्यों, मैं क्यों देखूंगा? वैसे भी तुम्हारे इन कोर्ट कचहरी के पेपर्स में देखने लायक क्या होता है? तुम भी ना किशोर, बस मौका मिलना चाहिए शुरू हो जाते हो। अरे मैं ये पूछ रही थी कि मेरे पेपर्स यहाँ पड़े थे, वो अंदर हैं, अंदर तुम्हारे स्टडी टेबल पर है। अरे शैला यार, तुम तो बूढ़ी हो गई हो। क्या मतलब, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। अब तो मैं क्या सोच रहा था कि वैसे भी अब तुम्हारे पास यहाँ जाना जिम्मेदारी तो है नहीं, तो क्यों ना तुम भी अपना काम धंधा बंद कर दो और फिर हम दोनों जाके कहीं पहाड़ी पे अपना रिटायरमेंट गुजारते। क्या मतलब? मेरे ख्याल से ऋषिकेश ठीक रहेगा, या वहाँ दोनों कुटिया में रहेंगे, गंगा स्नान करेंगे और बची खुची जिंदगी में थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। Are you crazy, Kishore? No, I'm not. मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अब देखो ना जाकर कौन आया है। इस समय कौन होगा? मगर हमारी तो बेटी भी शहर में नहीं है इस समय, तो इस समय कौन होगा यहाँ? इस समय यहाँ तो शिमला गए थे ना? हम लोग आज ही लौटे। ओ आई सी। और ये तुम ये छड़ी लेके क्या घूम रहे हो? पापा, ये छड़ी हम आपके लिए लाए हैं शिमला से। ओ रियली? गुड गुड गुड। अरे आओ ना सिंगा बेटा, इसके साथ में अपना बचा खुचा बुढ़ापा पहाड़ों में जाके आराम से गुजार सकेंगे भाई। आप लोग किसी पहाड़ी पर जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, इन्हें तो बस फिजूल की बातें सूझती रहती है। अच्छा तुम लोग बैठ कर बातें करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। मॉम बैठिए ना, आप ऐसे बर्ताव करें जैसे हम कोई मेहमान हैं। देखा देखा अपनी मॉम को, पलक झपकते ही तुम्हें भुला दिया, यूं पराया बना दिया। श्योर मॉम बैठिए ना। ठीक है, या श्योर, थैंक यू बेटा। अच्छा ये शीतल का कोई अता पता है या नहीं? वो अपने घर में नहीं रहती है क्या आजकल? आते ही मैंने फोन किया था लेकिन किसी ने फोन ही नहीं उठाया।
कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा, शीतल के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या क्या हुआ शीतल के साथ? बेटा, शीतल की बहन मोना अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह माय गॉड, लेकिन ये कैसे हुआ? ये तो नहीं जानता कि कैसे हुआ, लेकिन ऊपर वाला बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है शीतल का। बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होने को आया है और अचानक ये हो गया। मेरी दोस्त के साथ इतना कुछ हुआ और मुझे पता तक नहीं। और मैं शिमला में एंजॉय कर रही थी। नहीं रेनू बेटा, यही तो जिंदगी है। तू यहां होती तो भी क्या कर सकती थी? जो होना था सो तो हो गया। नहीं मॉम, ये शीतल के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलना था। और सलोनी, आज तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। Yes, you're right. अब हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। सब कुछ भूल चुकी हूँ। और आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप भी सब भूल जाएं। सलोनी, come on, we are good friends. एक अरसे से हम एक दूसरे के साथ हैं। Let us do one thing. हम लोग कमरे में चल के बात करते। कम। अगर आपको यही बातें करनी है तो मैं चलती हूँ। बाय। Please, hold down. देखो सलोनी, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। तुम्हारे दोस्त मोना की डेथ की वजह से तुम डिस्टर्ब हो, मैं जानता हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है, आज मोना हमारे बीच नहीं है, मुझे अफसोस है इस बात का। पर अब मोना के लिए हम अफसोस और दुख के अलावा कर भी कह सकते हैं। आप ये सब छोड़िए, ये बताइए क्या कहना चाहती हैं? सलोनी, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, बशर्ते तुम सुनने के लिए तैयार हो तो। देखो सलोनी, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है ना, और ऐसे मौकों पर जब हम परेशान हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि एक दोस्त के नाते हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? सलोनी, यहाँ हेल्प मांग कौन रहा है? मैं तो करना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रियली, आई मीन इट। रख लो। ये क्या है? थोड़े से पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे। लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। बाबा रख लो, जब इंसान के पास ये चीज होती है ना, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। रख लो प्लीज। अब चलो हम आराम से बैठ के बात करते हैं। कम। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। हाँ? मुझे आपके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। रख लो। आपने मुझे समझ क्या रखा है? आप अपने पैसों के बल पे जो चाहेंगे करते रहेंगे? कान खोल कर सुन लीजिए, आइंदा से ना ही आप मुझे फोन करेंगे ना ही मुझसे मिलने की कोशिश। आई डोंट बिलीव दिस, वो हंसती खेलती मोना सुसाइड भी कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो। लेकिन शीतल वहां क्यों गई? शायद उसे कुछ डाउट है। क्या? रेनू, शीतल को लगता है कि मोना ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी मौत के पीछे कुछ राज है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है उसे मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। आई डोंट बिलीव दिस। हेलो, तुम चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? रेनू, जब तक शीतल वापस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। अरे लेकिन अगर मैटर इतना सीरियस है
तो शीतल वहां अकेली क्यों गई है? तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना, शीतल एक बार कुछ डिसाइड कर लेती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। ये सब क्या है मालो? क्यों, तुम लोग डिनर नहीं लोगे क्या? भूख नहीं है। रेनू इतनी रात हो गई और तू कहती तुझे भूख नहीं है? सीधे सीधे खाना खाओ। मालो प्लीज, नहीं चाहिए। रेनू कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, खाना तो खाना ही पड़ेगा। और अभिषेक प्लीज, तुम अभी फोन करना बंद करो और खाना खाओ। मालविका, लेकिन हमें, मुझे कुछ नहीं सुना, ओके? कम ऑन। देख लिया आपने, यही है इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी इंसान का व्रत है और वो इंतजार कर रहा है कि उसके घर के लोग कब आए और वो उनके साथ बैठकर खाना खाए। और ये लोग? अरे तो क्या हुआ, चलो खाना खा लेते। नहीं, ये कोई वक्त नहीं है खाना खाने का। अच्छा नहीं किया तुमने छोटी बहू। और नहीं तो क्या, नहीं आना था तो कम से कम फोन कर दिया होता। मैंने फोन करने की कोशिश की, अब पता नहीं फोन क्यों नहीं लगा, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ, बहाने तो बहुत मिल सकते, झूठ बोलने के लिए तो हजारों बहाने ढूंढे जा सकते। अरे क्या लगा रखा है तुमने, चलो चल के खाना खाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए आपके कमरे में, ये कोई वक्त नहीं है खाना खाने का। क्या आई एम सॉरी छोटी बहू, तुम्हें पता है माजी तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस घर के लोग एक साथ बैठकर खाना ना खाएं। और जब से मैंने इस घर में कदम रखा है ना, किसी ने इस घर के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं की है। और ना ही मेरे पति को किसी का इंतजार करते भूखे रहना पड़े। अच्छा नहीं किया।